मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज प्रदेश की दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर एक नजर नहीं डालेंगे, आज हम बात करेंगे किसानों के लिए दो बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप भी किसान है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगले सप्ताह है करोड़ों किसानों में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त आने वाली है। सरकार के अनुसार 15 दिसंबर तक किसानों के खाते में 10वीं किस्त के 2000 रुपए आ जाएंगे। वहीं जिन किसानों को अब तक 9वीं किस्त के 2000 रुपए भी नहीं मिले हैं, उनके खाते में भी सीधे 4000 रुपए आएंगे। माना जा रहा है कि 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच आपके खाते में कभी भी पैसे आ सकते हैं। हालांकि इस बार आप लिस्ट में अपना नाम चेक जरूर करें, क्योंकि इस बार सरकार फर्जीवाड़ा करने वाले अपात्र किसानों के लिए सख्त हो गई है। जैसे कि अगर कोई कृषि मालिक सरकारी नौकरी में है तो उसे पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। अगर किसी किसान को सालाना 10000 रुपए पेंशन मिलती है तो वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। और दूसरी बड़ी अपडेट राजस्थान के किसानों के लिए है। प्रदेश में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद किसानों को 75,000 बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यह बिजली कनेक्शन सीएम गहलोत के पिछले कार्यकाल के वक्त 2012 से पेंडिंग चल रहे थे, जिन्हें मंजूर करने का काम अब पूरा किया जा रहा है। वहीं इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि 33 जिलों के किसानों को खेती बाड़ी में सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने का भी फैसला किया गया है। और अच्छी खबर यह है कि 17 जिलों में बिजली की सप्लाई दिन में शुरू भी हो गई है। जो किसान लगातार पिछले कई दिनों से बिजली का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार का कहना है कि मार्च 2022 तक 75,000 कृषि बिजली कनेक्शन जारी होंगे। दोनों ही बड़े अपडेट है, वो किसानों के लिए काफी अच्छे अपडेट। यही थी आज की बड़ी अपडेट। मिलते हैं कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।